दीप प्रकाश के भारी काफिले ने किया सबको हैरान। रायबरेली की सरेनी विधानसभा से 2022 चुनाव की तैयारी कर रहे दीप प्रकाश शुक्ल ने लोगों को तब हैरत में डाल दिया जब 50 से अधिक गाड़ियों के काफिले के साथ वह क्षेत्र भ्रमण पर निकले। दीप प्रकाश शुक्ल की यात्रा लालगंज से शुरू होकर बालेश्वर मंदिर होते हुए डलमऊ भ्रमण पर निकली। बालेश्वर मंदिर में उनसे मिलने आई अपार भीड़ ने दीप प्रकाश शुक्ल को भारी समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया। जहां जहां भी शुक्ल की गाड़ी रुकी वहां लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया और आगामी चुनाव के लिए अपना समर्थन दिया। डलमऊ में दीप प्रकाश शुक्ल ने पदयात्रा के जरिए भी लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की। मीडिया से मुखातिब होने पर उन्होंने संगठन पर विश्वास जताते हुए संगठन के आदेश पर रैली की बात कही। भारतीय जनता पार्टी सरेनी विधानसभा से किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी यह अभी भी प्रश्न का विषय है, परंतु दीप प्रकाश शुक्ल के काफिले ने प्रतिद्वंदियों को अवश्य ही हैरत में डाल दिया होगा। हमारे साथ दीप प्रकाश शुक्ला जी हैं। हमने अभी भारी जनसैलाब देखा है और आप लगातार यात्राएं कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? संगठन के आदेश माना जाए। संगठन का आदेश है कि सभी के बीच में जाके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाया जाए ताकि आगे कार्य आसान हो सके। तो आप आश्वस्त हैं कि सरेनी से भाजपा के दीप प्रकाश शुक्ला हैं? मैं संगठन पर विश्वास करता हूं और संगठन के आदेश का पालन करता हूं। जनादेश क्या होने वाला है? जनादेश की कहें तो निश्चित भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आ रही है। सरेनी में संगठन ने दीप प्रकाश के रूप में अगर मौका दिया तो बिल्कुल अच्छा होगा। तो आज कहाँ तक आपकी यात्रा? मेरा डलमऊ मंडल पूरा है। आज डलमऊ ब्लॉक को पूरा मैं भ्रमण करूंगा, जहाँ तक हमारी अपनी सीमा है उबरनी तक, और सभी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर लोगों की समस्याएं जानना, उन तक अपनी जो भी योजना है सरकार की उनको पहुँचाना। बहुत बहुत धन्यवाद।